हेल्पिंग वर्ब के बारे में अब जानते हैं, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है पहले वर्ब के साथ एस या एस लगाते हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है अभी पहली वर्ब के साथ एस या एस किस तरह से लगाएं, क्योंकि सिंगुलर के साथ हम पहली वर्ब के साथ एस या एस लगाएंगे, प्लूरल के साथ हम ओनली पहली वर्ब लगाएंगे। कुछ एक विद्यार्थियों को यह डाउट होता है कि पहली वर्ब हम जब लगाते हैं सिंगुलर में तो पहली वर्ब के साथ उन्होंने एस तो लगा दिया, परंतु जब ईएस लगाने की बारी आती है तो कंफ्यूज हो जाते हैं एस लगाएं या ईएस लगाएं। सबसे पहले हम ये जान लें कि ईएस कहाँ लगाना है। ईएस लगाने के लिए हमें सबसे पहले वर्ब फाउंड करनी पड़ती है, वर्ब जिसके अंत में एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, एस एच हो, ओ हो, तो हम उनके पीछे क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। जैसे कि गो, गोज, टीच, टीचेस, वॉश, वॉशर्स। अब हम वर्ब के एस या ईएस को पहचान चुके हैं, परंतु सिंगुलर और प्लूरल कहाँ पर आएंगे, सिंगुलर क्या कौन से नाउंस हैं और प्लूरल कौन से नाउंस हैं। सिंगुलर कौन कौन से नाउन हैं, ही, शी, इट, एनी ने। प्लूरल है आई, वी, यू, दे एक्सेट्रा। यह सब कुछ जान लेने के बाद अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे भी प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस कैसे बनते हैं। स्ट्रक्चर सबसे पहले आ जाता है पॉजिटिव। पॉजिटिव के अंदर क्या आएगा, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या ईएस, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। क्योंकि स्ट्रक्चर क्या होता है, एक तरह से हमें बताया जाता है अभी इसके बाद हमें क्या क्या चीज़ें लगानी है। जैसे कि हम खेल बोलते हैं राम खेलता है, हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट सिंपल का है, क्योंकि वाक्य के अंत में क्या है, ता है, तो इससे हमें पहचान होगी है यह प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। तो हमें सबसे पहले क्या लाना है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राम, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, राम। अब क्या आता है, खेलता है, उसके बाद क्या लगाएंगे हम वर्ब के साथ, पहली वर्ब के साथ एस या ईएस, हम देखेंगे राम क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या आ जाएगा, प्ले, प्ले के साथ क्या आएगा, प्लेज, खेलता है, राम खेलता है। अब आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होएगा, सब्जेक्ट आएगा, डू या डज आएगा, फिर नोट आएगा, फिर पहली वर्ब आएगी और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। डू हमेशा प्लूरल के साथ लगाना है, डज हमेशा सिंगुलर के साथ लगाना है, और इनके दोनों के साथ वर्ब आएगी पहले। ये दोनों नाउंस पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि राम
नहीं खेलता है। तो आ जाएगा राम डज नॉट प्ले। सिंपल। अब तीसरा सेंटेंस हमारा आ जाता है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या आएगा, हमने जो हेल्पिंग वर्ब ली है डू और डज, हेल्पिंग वर्ब हमने जो ली है डू और डज, ये हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। डू और डज, फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे वर्ब और फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, और इस पर्ची को मत भूलना क्योंकि साइन ऑफ इंटरोगेशंस। इसमें क्या आएगा, क्या सवाल उत्पन्न होगा, क्या राम खेलता है, तो पर्ची यानी कि साइन ऑफ इंटरोगेशंस। क्या राम, राम सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, डज, डज राम प्ले। अब आ जाता है हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव इसके अंदर क्या होएगा, वही डू डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब की पहली फॉर्म, ऑब्जेक्ट ऑफ साइन ऑफ इंटरोगेशंस। क्या राम नहीं खेलता, इसमें आ जाएगा डज राम नॉट प्ले। ये तो था हमारा प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस। इसमें बहुत से कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो बच्चों की क्वेरीज रहेंगे, जिसे भी बच्चे की कोई डाउट हो, जानना हो, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य अपना क्वेश्चन छोड़ें ताकि हम उसका उत्तर दे सकें। अगर किसी को कुछ जानना हो तो हमारे इस नंबर पर फ़ोन करके स्टूडेंट जान सकता है। यह नंबर आपको फ़ोन करने के लिए 3 बजे से शाम 7 बजे तक सुबह 9 बजे से 11 बजे कोई भी फ़ोन कर अपने क्वेश्चंस नोट करवा सकता है, उसके आपको आंसर मिल जाएंगे, सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और हर प्रकार की समस्या का आपका हल किया जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा हर चैप्टर के बारे में, साइंस के बारे में, हिंदी के बारे में, इंग्लिश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। धन्यवाद।